बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर व्यूअर्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न पोएम फॉर क्लास 10th पीस रिटन बाय डॉक्टर हार्टमैन। फर्स्ट ऑफ आल, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएटेस। डॉक्टर हार्टमैन, बॉर्न इन जर्मनी इन 1959, हैज़ लिव्ड एंड वर्कड इन द यूके since 1978. Views now about the poem. Main theme and central idea of the poem. In this poem, the poetess describes the two aspects of wind. हम इसके जो हवा है उसके दो पहलुओं के बारे में है, एक है constructive और एक है destructive. Constructive में ये है, डिस्ट्रक्ट में यह कि सबसे पहले जब गुस्से में होती है तो उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती और वो तबाही पैदा कर तबाही लाती है और चीज़ों को घुमाती है, आदमी के काम को ख़त्म कर देती है, स्पॉइल कर देती है। और दूसरी तरफ उसका कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट क्या है कि हकीकत में क्या है, हवा एक पुरअमन है, ये पुरसकून है, ठंडी है, और ये एक हमें पैगाम देती है उम्मीद का। और तो नाउ व्यूअर्स, ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोएम। द विंड इज नाउ, हवा अब है, यानी पहले हवा के तो बहुत से पहलू हैं लेकिन अब हवा क्या है, द विंड इज नाउ अ रोरिंग। अब हवा क्या है, ऐसे है जैसे कि शेर चिंगाड़ता है। स्मैशिंग, स्मैश होते तोड़ना, तोड़ फोड़ देना। और अब हवा कैसे रूप में है, गहर रही है और चीज़ों को तोड़ रही है। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ऐसे देवकल है जो कि तबाही पैदा करता है, तबाही रहता है। और क्या करती है ऐसे मॉन्स्टर, रैकिंग ऑल मैंस वर्क, तमाम आदमी के काम है, इंसानियत के जो काम जो भी हैं उनको तबाह कर देती है। फराम द वेलीज, छोटी वादियों में से, फराम द वेल्स बड़ी वादियों में से, ये तमाम चीज़ों के कामों को तोड़ फोड़ कर वादियों में से, छोटी और बड़ी वादियों हर जगह से, एंड सेंस देम, और उन्हें फेंकती है सपने घुमाते हुए, ब्रोकन फ्लाइंग, टूटा हुआ उड़ता हुआ। यानी आपने जैसे भी टॉर्नेडो या जो भगोले हवा के उड़ते हैं वो देखा होगा कि चीज़ों को वो घुमा कर ऊपर ले जाते हैं, उड़ा रहे होते हैं, और जितनी भी जो भी चीज़ नज़र आती है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये तो उसका एस्पेक्ट है डिस्ट्रक्टिव, यानी जो तबाही लाती है, जो बर्बादी पैदा करती है, चीज़ों को उड़ा के ले जाती है। लेकिन शायर कहता है बट ऑल ऑफ दैट, कहता है ये तमाम तबाहियों के बावजूद, तमाम डिस्ट्रक्शन के बावजूद, जो वो चीज़ों को तोड़ती है, फेंकती है, स्पॉइल करती है, दैट इज़ नॉट इट्स कोर, कहते हैं ये तमाम चीज़ तो की हैं सब बात है, लेकिन उसकी जो कोर क्या है, मरकज या फितरत, कहते हैं उसके फितरत में ये चीज़ बात नहीं है, फितरत उसकी और कुछ और है। ठीक है, वो फर्जी तौर पर वो गुस्से में आ जाती है, जज्बात में आ जाती है और आकर जो है ना वो चीज़ों को तोड़ फोड़ देती है। इस सेंटर इज इन ट्रुथ, और उसके मरकज में क्या है, एक सच्चाई है, और वो क्या है, इटर्नल स्टिलनेस, अब्दी सुकून है, खामोशी सुकून है। यानी वो असल में तौर पर उसका जो नेचर है वो तो अब्दी सुकून है। ब्राइट ब्लू स्काइज, जैसे कि आप आसमान की तरफ देखते हैं, ये सुकून है, हर जगह मौजूद है। एंड आर यू एयर, और तमाम आप ये सुनते हैं आ जेंटल विस्पर्स, तो ये तमाम जो आप सुनते हैं क्या है, माज धीमी सरगोशियाँ आसमान में, या और भी कोई देखें उस डिस्ट्रक्ट पहलू के अलावा, तो क्या हैं इसकी, बिल्कुल धीमी सरगोशियाँ हैं। फार अवे, कहीं बहुत दूर से आने वाली, एंड अनइम्पॉर्टेंट, और मामूली सी। यानी कहता है कि ठीक है, इवेंट फर्जी तौर पर उसने तबाही पैदा किए, नुकसान किए हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, वो तो एक अब्दी सुकून है, आराम है, और उसकी नेचर क्या है, अब्दी सुकून है। नौ वियर्स,
लोकल स्क्रिप्ट। टेक केयर।